प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस गृहित कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं रक्षाबंधन का पर्व आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आए। प्रिय दर्शकों, रक्षाबंधन के पर्व को लेकर के सभी के दिमाग में एक कन्फ्यूजन चल रहा है। सभी सोच रहे हैं कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को बनाएं या फिर 12 अगस्त को। इस विषय पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है और शायद आप लोगों ने उसे देखा भी होगा और समझा भी होगा, लेकिन दोबारा से इसी विषय पर वीडियो बनाने का कारण क्या है? मेरे पास कुछ फ़ोन कॉल्स आए, कुछ कमेंट आए कि सर हम कन्फ्यूज हो रहे हैं, अलग अलग चैनल से अलग अलग प्रकार की जानकारी दी जा रही है। कोई आचार्य किसी समय को शुभ बता रहा है, कोई आचार्य किसी समय को शुभ बता रहा है और हम कन्फ्यूज हो रहे हैं। अब कन्फ्यूज होना तो स्वाभाविक है, जब दो आचार्य से आप मिलेंगे, दोनों आपको अलग अलग समय बताएंगे तो कन्फ्यूज होना स्वाभाविक है। लेकिन आज मैं प्रमाण सहित आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, आज मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बात कहाँ पर लिखी हुई है। आज जो भी मैं बोलूंगा बिल्कुल उसको सिद्ध करूंगा और बताऊंगा कि ये बातें कहां पर लिखी गई हैं और कितनी सटीक हैं। ये तो आप जानते ही हैं, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। अब की बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है, अर्थात 11 अगस्त को भी और 12 अगस्त को भी। अब 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि 10:37 के आसपास शुरू हो जाएगी और अगले दिन अर्थात 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। तो दोनों दिन हो गई, लेकिन ज्यादा पूर्णिमा तिथि कौन से दिन है? 11 अगस्त को है। तो 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना उचित है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्र बोल रहे हैं, ये शास्त्र बोल रहे हैं। शास्त्र में जो लिखी हुई बातें हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। आप स्क्रीन पर देखिए, मार्तंड पंचांग, दिवाकर पंचांग, ये कोई सामान्य पंचांग नहीं है, ये प्रमाणित पंचांग है। जब ये कोई भी बात इसमें लिखते हैं तो एक बार नहीं, हजार बार सोचना पड़ता है, और एक शास्त्र से उठा करके कोई बात नहीं लिखते। 50 शास्त्रों का निचोड़ निकालने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वही बातें ये लिखते हैं। मार्तंड पंचांग के पेज नंबर 15 पर इसका विवरण आपको मिलेगा, और दिवाकर पंचांग की यदि मैं बात करूं तो पेज नंबर 20, वहां पर जाकर के आप देख लीजिए, इसका विवरण बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाना उचित है और शास्त्र सम्मत है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की। जैसे ही पूर्णिमा तिथि आरंभ होती है 11 अगस्त को, उसी समय भद्रा भी शुरू हो जाती है, और यहां लिखा है कि भद्रा काल में रक्षाबंधन करना उचित नहीं है। तो फिर करें कब? इन्होंने लिखा है कि भद्रा काल समाप्ति के बाद रक्षाबंधन करना शुभ रहेगा। तो भद्रा समाप्त कब हो रही है? रात्रि 8:50 के आसपास भद्रा का समापन हो रहा है। तो उसके बाद यदि आप रक्षाबंधन करते हैं तो यह अति श्रेष्ठ है। देखिए, कहने में तो बड़ा अटपटा है कि रात्रि को रक्षाबंधन करेंगे, हम तो दिन में करते हैं सब, लेकिन करें क्या, अब की बार मुहूर्त ही यहां निकल के आ रहा है, हमारी मजबूरी है ये बताना। इसी समय मुहूर्त निकल के आ रहा है, यदि शुभ मुहूर्त की बात आप करो तो। वैसे तो आप कभी भी बांध सकते हैं राखी, रक्षाबंधन कभी भी कर सकते हैं, कोई मना करने वाला नहीं आएगा आपको। यदि आप 11 तारीख को दोपहर में रक्षाबंधन कर रहे हैं तो कोई मना करने के लिए आएगा आपके पास? कोई भी नहीं आएगा। लेकिन यदि शास्त्र सम्मत में बात करूं, बिल्कुल
जो उचित एवं शुभ मुहूर्त बनता है उसकी यदि मैं बात करूं तो ये तो रात्रि को लगभग 8:50 से लेकर के 9:50 तक, ये जो एक घंटा है यहीं पर बनता है। प्रिय दर्शकों, इसको समझने की कोशिश करो। और यदि मजबूरी हो जाए, कई बार क्या होता कि मजबूरी होती है दिन में राखी बांधने की, तो इन शास्त्रकारों ने एक बात और लिखी है, दिन के समय में देखिए भद्रा मुख और भद्रा पूछ, भद्रा मुख को त्यागना जरूरी है लेकिन भद्रा की जो पूछ होती है वो इतनी अशुभ नहीं होती है। तो यदि आपकी मजबूरी है तो भद्रा पूछ में भी आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, ऐसा इन शास्त्रकारों ने कहा है। प्रिय दर्शकों, ये समय कौन सा रहेगा? ये समय इन्होंने बताया है 11 अगस्त को शाम के समय 5:18 से लेकर के 6:20 तक का ये जो समय बनता है, इस समय भी आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उचित नहीं है लेकिन मजबूरी में कर सकते हैं, ऐसा इन शास्त्रकारों ने लिखा है। अब कुछ फोन कॉल्स कमेंट ऐसे भी आए कि सर भद्रा पाताल लोक में निवास कर रही है, हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं तो यहां उनका बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा? तो मैं उनको बताना चाहूंगा, रक्षाबंधन का पर्व एवं होलिका दहन, इन दोनों में भद्रा का विशेष रूप से विचार किया जाता है। भद्रा कहीं भी हो, यदि भद्रा काल चल रहा है, चाहे वो भूलोक में हो, चाहे वो पाताल लोक में हो, चाहे वो स्वर्ग लोक में हो, यदि भद्रा काल चल रहा है तो इस भद्रा काल को त्यागना अति आवश्यक है। इन दो चीजों में कौन कौन सी? रक्षाबंधन और होलिका दहन, श्रावणी एवं फाल्गुनी, इसमें विशेष रूप से इसका विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, इसीलिए इन शास्त्रकारों ने ऐसा इसमें लिखा है। शास्त्र में जो बात लिखी जाती है वो उचित होती है, अनुचित नहीं होती, बहुत कुछ सोच समझ कर लिखा जाता है। और ये दिवाकर पंचांग और मार्तंड पंचांग ये सामान्य पंचांग नहीं है, बहुत सोच समझ कर, बहुत सारी चीजों का शोध करने के बाद अंतिम निर्णय तक पहुंचते हैं और वही इसमें लिखते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा है, बिल्कुल साफ साफ लिखा है, पेज नंबर भी मैंने आपको बता दिया, मार्तंड के पेज नंबर 15 में और दिवाकर पंचांग की यदि मैं बात करूं तो पेज नंबर 20 में जाकर के आप देख लीजिए, बिल्कुल साफ साफ उसमें लिख दिया गया है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, अंधविश्वास में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल वही करें जो शास्त्र सम्मत है, जो शास्त्र में लिखा गया है, जो शुभ है और जो उचित है। बिल्कुल भी भ्रमित मत हो, कंफ्यूज मत होना। अब मेरे पास कुछ ऐसे फोन कॉल्स एवं कमेंट भी आए जिनका कहना था कि शास्त्री जी हमारे परिवार में रक्षाबंधन सुबह के समय करने की परंपरा चली हुई है, हम सुबह के समय ही करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनको मैं कहना चाहूंगा, यदि सुबह के समय रक्षाबंधन की परंपरा आपके परिवार में चली हुई है तो फिर आप 12 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले पहले कर दीजिए। लेकिन 11 अगस्त को भूल कर भी भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं करना है, बिल्कुल अनुचित है। और 10:37 से पहले तो वैसे ही नहीं करना है क्योंकि चतुर्दशी तिथि है। अब चतुर्दशी तिथि में रक्षाबंधन बिल्कुल वर्जित बताया गया है, क्यों? क्योंकि रिक्ता तिथि है, उसका कोई लाभ ही नहीं होता है। तो यदि 11 तारीख को आपने रक्षाबंधन करना है तो फिर जो समय मैंने बताया 8:50 से लेकर के 9:50 तक ये जो समय बनता है, ये एक घंटा बनता है, इसमें आप रक्षाबंधन कीजिए। यदि आपकी मजबूरी है तो फिर शाम के समय 11 तारीख को ही 5:18 से लेकर के 6:20 तक भी आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। और यदि सुबह के समय ही आपने करना है तो फिर 11 तारीख को नहीं, फिर आप 12 तारीख को कर सकते हैं 7:05 पहले पहले। इसी को अपने दिमाग में बिठा लो, ये शास्त्र सम्मत है, उचित है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं, मार्तंड पंचांग कह रहा है, दिवाकर पंचांग कह रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी छोटी सी जानकारी जो आप तक पहुंचाना मैं जरूरी समझता था। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं आशा भी करता हूं आप इन पर अमल करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।